नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4, 5 और 6 सितंबर के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका दिन कैसा रहेगा। अब चलते हैं हमारी तीसरी राशि की ओर, जो है मिथुन राशि। आपके लिए पहला कार्ड अपेयर हुआ है नाइट ऑफ द कप्स का, दूसरा कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है पेग ऑफ द वॉन्ड्स का और तीसरा कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है सिक्स ऑफ द कप्स का। तो मिथुन राशि, आपके लिए 4 सितंबर का जो दिन है, 4 सितंबर के दिन आपको कहीं से एक अच्छा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है या 4 सितंबर के दिन आप खुद कहीं पर कोई शुभ समाचार भेज सकते हैं। तो ये वाइस वर्सा दोनों हो सकता है। इसके अलावा 4 सितंबर को आपके किसी पुराने मित्र या संबंधी से आपकी मुलाकात हो सकती है। 4 सितंबर के दिन आप अपने आप में थोड़ा स्वार्थीपन महसूस करेंगे और अगर ये महसूस करते हैं तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इंटेंशनली किसी को लॉस ना दें। इस एक चीज को छोड़ करके कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको 4 तारीख को स्वार्थी बने रहना ही चाहिए। आप जितना ज्यादा स्वार्थी बने रहेंगे उतना ही आपको लाभ होता रहेगा, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाइएगा, अपना फायदा देखिएगा। 5 सितंबर के दिन आप कुछ नई योजनाएं बनाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। देखिए, नई योजनाएं बना नहीं लेंगे, नई योजनाओं पर काम नहीं शुरू हो रहा, बस नई योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी तो वो अभी एकदम इनिशियल लेवल पर होंगी। तो बेटर है कि आप उन योजनाओं को किसी पेपर वगैरह पर नोट कर लें या अपनी डायरी में नोट कर लें और बाद में बैठ करके उनके ऊपर विचार करें कि उन योजनाओं को किस तरह से मूर्त रूप देना है या उनके ब्लूप्रिंट को किस तरह से बनाना है, दोनों चीज़ें। 5 सितंबर को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखिएगा। 5 सितंबर को अपने आप को बचा कर रखिएगा कि आप कहीं पर भी किसी भी वजह से भी मजाक के पात्र ना बने। 6 सितंबर का जो दिन है आपका, उस दिन आपको अपने आप में थोड़ा सा उदासीनता का अनुभव होगा। उदासीनता का अनुभव इसलिए होगा कि कई बार आपको ये लगेगा कि पहले आपके जीवन में बहुत खुशियाँ थी, वर्तमान का जीवन आपका उतना अच्छा नहीं है। लेकिन पिछली चीज़ों को देखने की बजाय अगर आप वर्तमान को और बेहतर कैसे करें इसके बारे में दिमाग लगाना शुरू करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। 6 सितंबर के दिन आप किसी भी प्रकार से किसी से भी कोई वायदा इत्यादि ना करें। अगर आपको लगता है कि वर्तमान में कुछ चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही तो अपने इस अवसाद को, दुख को या अपनी इस फीलिंग को किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करने से बच जाते हैं 6 सितंबर के दिन, तो आप देखेंगे कि दिन के समाप्त होने के साथ ही साथ में ये जो एक अवसाद की स्थिति थी, ये जो एक हल्के सी डिप्रेशन की स्थिति थी, ये अपने आप खत्म हो गई है अगर आपने अपनी फीलिंग्स को कहीं शेयर नहीं किया तब। ओवरऑल ये तीनों दिन 4, 5 और 6 सितंबर के आपके लिए अच्छे हैं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। इन तीनों दिन में परिवार के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, मित्रों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई प्रेम संबंध वगैरह में हैं तो आपके प्रेम संबंध में भी ये तीनों दिन बढ़िया रहेंगे। केवल 6 सितंबर को ये हो सकता है कि आप अपने प्रेम संबंध के पहले के समय को याद करें, वर्तमान के समय से कंपेयर करें, बाकी कोई समस्या नहीं हो रही। तो दोस्तों, ये था राशिफल 4, 5 और 6 सितंबर के लिए। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।